हीरोज जैसा कुछ नहीं होता, सिर्फ लूजर्स होते हैं। यहां तक पहुंचना मुश्किल था। शक्ति से दुनिया झुकती है, इसे हासिल कर लो। तुम्हें मारा नहीं, बचाया गया है। तुम्हें वहां से लेकर यहां तक पहुंचाने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया? क्रिश 4 होगी अपने प्रीक्वल से कनेक्टेड? क्या क्रिश 4 और क्रिश 5 मूवीज की स्टोरी लाइन एक दूसरे से कनेक्टेड होगी? कौन निभाएगा क्रिश 5 में क्रिश के बेटे का रोल? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की सुपर हीरो जॉनर की सबसे चहेती मूवी फ्रेंचाइजी के बारे में। डायरेक्टर राकेश रोशन ने अपनी विजन द्वारा बॉलीवुड को एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर मूवीज दी है, और अब उसी लेगेसी को बरकरार रखते हुए वो लेकर आ रहे हैं क्रिश 4। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो क्रिश 4 थ्योरी कंसेप्ट नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, ताकि आपको हमारी ये वीडियो भी समझ आ सके। सो हमने आपको बताया था कि राकेश रोशन ने डिसाइड किया है कि वो क्रिश 4 और क्रिश 5 को एक साथ बनाएंगे, यानी कि सुपर हीरो का डबल डोज देने की पूरी तैयारी है क्रिश की टीम की तरफ से। जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि मूवी के विलन होंगे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तो क्रिश 5 के विलन भी वही होंगे, क्योंकि क्रिश 4 और क्रिश 5 एक साथ तैयार की जा रही है, और वो भी काफी हाई बजट पे। अब सेम विलन इसलिए होगा क्योंकि शायद क्रिश 4 को एक सस्पेंस नोट पे खत्म किया जाएगा, जिसको पूरा करेगी क्रिश 5। फैन थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्रिश 5 में हमें क्रिश के बेटे को भी एक सुपर हीरो अवतार में देखने को मिल सकते हैं, और इंडिया को मिलेगा अपना नया क्रिश और एक न्यू सुपर हीरो। इंडिया में और भी सुपर हीरो मूवी आई है, जैसे कि फ्लाइंग जट, मगर क्रिश की जो पॉपुलैरिटी और उसकी फेम है बच्चों में, उसको कोई और सुपर हीरो मैच नहीं कर पाएगा। और अब तो हमें मिल जाएगा हमारा एक बिल्कुल नया क्रिश। क्रिश 5 मूवी में हमें ऋतिक रोशन को एक बहुत ही ज्यादा यंगर रोल में देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह ऋतिक ने रोहित मेहरा और कृष्णा मेहरा का रोल निभाया था, उसी तरह से क्रिश 5 मूवी में वो क्रिश के बेटे के रोल को भी निभाएंगे, जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। आपके अकॉर्डिंग ऋतिक को अपने बेटे का रोल खुद करना चाहिए या फिर किसी और से करवाना चाहिए? इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी रही बात क्रिश की न्यू पावर्स के बारे में, जो कि उसे क्रिश 3 मूवी में मिली थी, लेकिन उनकी डेप्थनेस के बारे में मूवी में नहीं दिखाया गया था। उन सभी पावर्स को हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अपनी अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।